अरे बच्चे, अरे क्या कहना चाह रही है आप? लिखेंगे इसमें या फिर मार टू से समथिंग? तो मैसेलसन एंड स्टॉक्स एक्सपेरिमेंट बाका हो गया था या बचा था? हैव यू डन मैसेलसन एंड स्टॉक्स? और वो बचा हुआ है बाका? स्टार्ट करना है? ओके, 1 मिनट में देख लूँ और कोई एडमिट में है। तो आई थिंक इसमें हमने पाइथन ने मेसेलसन एंड स्टॉल्स एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करना है, तो आई थिंक आई माइट हैव गिवन द कीवर्ड्स, नहीं भी दिया था तो फिर से देख। स्टॉक एक्सपेक्ट, ही हैज कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट ऑन इस्चेरिसिया कोलाई। सबसे पहले शायद हमने लिखा दिया था या नहीं भी लिखाया था, तो यहाँ लिख लीजिए क्या क्या पॉइंट आना है। ही कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट ऑन इकोलाई। नंबर टू, ही यूज्ड N15 कंटेनिंग अमोनियम क्लोराइड एन एक्स फोर सी एल। इसके बाद देर इज यूज ऑफ सीजियम क्लोराइड, ग्रेडियंट यहाँ है, और मेथड ऑफ स्टडी वॉज डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। ये की वर्ड्स है इसके अंदर, तो इफ यू हैव नोटेड अर्लियर देन इट्स ओके, अदरवाइज यदि किसी की छूट गई है तो इतनी बातें इसमें आएगा। प्रूफ करना है जो डीएनए रेप्लिकेट्स इन सेमी कंजर्वेटिव वे। तो अब चूंकि काफी दिन बाद आप कर रहे हैं, तो सेमी कंजर्वेटिव वे का मीनिंग फिर भी क्लियर कर लो। तो सपोज हियर इज एन डीएनए, तो इसमें से इट विल ओपन एक ओल्ड और एक न्यू होगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ सेमी कंजर्वेटिव। हम ये मान के रिपीट कर रहे हैं जो बच्चों को मान लो भूल गया होगा, तो हम आप इस एक्सपेरिमेंट में प्रूफ करने जा रहे हैं, तो डीएनए जो रेप्लिकेट करती है सेमी कंजर्वेटिव वे में, यानी एक जो ये डीएनए डबल स्ट्रैंडेड वाला, तो एक ओल्ड एक न्यू होती, ये आपको प्रूफ करना है ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। तो डीएनए की डेंसिटी को चेंज करने के लिए आप N15 कंटेनिंग अमोनियम क्लोराइड यूज कर रहे हैं। आप यहाँ पर जैसे बीसिया फावा ने दिया था तो ऑटो रेडियोग्राफी से कर लिया था, और यहाँ आप डेंसिटी के हिसाब से प्रूफ करोगे, तो डीएनए रेप्लिकेट्स इन सेमी कंजर्वेटिव वे। तो नाउ लेट अस स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट। क्लियर? इकोलाई यूज करेंगे डीएनए का डेंसिटी चेंज करने के लिए। आप कल्चर में N15 कंटेनिंग अमोनियम क्लोराइड देंगे, सीजियम क्लोराइड क्या हम लेंगे ये भी डिस्कस करेंगे, इनका ग्रेडियंट बनेगा ये हम लास्ट में बताएंगे, और मेथड ऑफ स्टडी होगा डेंसिटी ग्रेडियंट। क्लियर? अब लेट अस से व्हाट ही हैज डन, बता दूं इसको। अब देखो, हमने बताया था जो नॉर्मली जो बैक्टीरिया जहां भी ग्रो कर रही है, इसने क्या किया था, ये ग्रो द बैक्टीरिया, यहाँ पर बैक्टीरिया को ग्रो कराया कॉनिकल फ्लास्क में। और
और इसके अंदर बैक्टीरिया थे और ये स्टेकन इसमें हैवी नाइट्रोजन कंटेनिंग NH4Cl अमोनियम क्लोराइड डाल दिया। तो रिपीटेड जब डिवीजन होगी ये नाइट्रोजन जो है वो डीएनए में एंटर हो जाएगी, क्योंकि तो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करता है 20 मिनट्स में, इसको दो 24 घंटे 48 घंटे तक ग्रो किया सो दैट की ऑल हैवी नाइट्रोजन एंटर्ड इन द डीएनए। तो डीएनए में आपने पढ़ा है नाइट्रोजिनस बेसिस है उसमें ही चला जाएगा, तो डीएनए की डेंसिटी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ मैं लिख दूं, यदि यदि पूरी डीएनए में N15 है, डीएनए का डेंसिटी होती है 1.728 ग्राम पर cm³, और नॉर्मल जो डीएनए होती है इनकी डेंसिटी होती है 1.712 ग्राम पर cm³। ये डिफरेंस, अब डिफरेंस तो बुक नहीं दिया लेकिन किसी पर एक्सपेरिमेंट है आप नोट कर लें, क्योंकि है भी आपने इनकॉर्पोरेट कर दिया तो थ्री डेंसिटी नॉर्मल डीएनए की थ्री डेंसिटी। अब इसके बाद जब ये हैवी हो गया इट वॉज ट्रांसफर्ड इनटू मीडियम कंटेनिंग नॉर्मल अमोनियम क्लोराइड। अब यहां देखो बच्चे, यहां पर ये बात हुई जब रिपीटेडली ग्रो किया तो ये रेड शो कर रहा है आपको हैवी को, मान लो हमने रेड ले लिया, अभी बुक में भी दिखाया तो ये दोनों स्ट्रैंड रेड है, मतलब सब में N15 है और ये डीएनए की डेंसिटी है। अब डीएनए रेप्लिकेट करती है सेमी कंजर्वेटिव वे में, जो आपको प्रूफ करना है वो पहले मैंने इसको देखा बनाया फिर प्रूफ करेंगे। तो जब ये खुलती है तो वन स्ट्रैंड ये हो गया, दूसरी स्ट्रैंड ये हो गया। तो ये होता है कितने में, 20 मिनट्स में, बिकॉज बैक्टीरिया मल्टीप्लाई विद इन 20 मिनट्स, क्या लिखा होगा 20 मिनट्स। अब इसके फिर 20 मिनट्स के बाद क्या होगा बच्चे बोलो, ये खुल जाएगा, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ और समझ में आएगी, ये खुल जाएगा। तो ये यदि दोनों खुला सेमी कंजर्वेटिव, ये भी खुल गया और ब्लैक वाला भी खुल गया, लेकिन मीडियम में अब तो N14 अमोनियम क्लोराइड मौजूद है, तो अब इस पर ये आ जाएगी, इस पर ये आ जाएगी, और इसी तरह ये वाला भी खुल गया, ये भी खुल गया, तो अब इस पर ये N15 वाला आएगा। अब देखो इस दोनों में क्या हुआ बच्चे, फिर 20 मिनट्स के बाद अब कंप्लीट N14 वाला तो बचा ही नहीं है, दोनों हाइब्रिड हो गए, इनकी इन दोनों की डेंसिटी इन दोनों के बीच आएगी, ये आपको प्रूफ करना है, और इनकी डेंसिटी ये है। तो दिस इज द प्रिंसिपल। अब इसमें ये क्या करते हैं, अब देखो इस, अब बुक में आप देखेंगे तो टेस्ट ट्यूब बनी हुई, तो एक्चुअली अब टेस्ट ट्यूब में क्या होता है पहले देखो, इन टेस्ट ट्यूब जब आप N15 वाले लोगे और उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाओगे ये डायरेक्ट एडमिट करते हैं ऑफिस से, फिर क्योंकि बोर्ड पे होती है दिक्कत हो जाता है बच्चों। अब देखो बच्चे इस पर ये है जो, अब इनकी जो हैवी है अब ये यहाँ आ गया, बिकॉज इफ यू रोटेट एनीथिंग ऑन द सेंट्रीफ्यूगल पाथ बच्चे, आप लोग लेट क्यों आ रहे हो, जेनेटिक्स में दिक्कत हो जाती है बच्चे, कोई बात नहीं अभी देख लो फिर छूट जाए तो आई एम विद यू करेंगे, तुमने 2 ही दिन क्लास होती है ना, उसके कुछ सिलेबस काफी कम हो गए आपको, लेकिन फिर रिवीजन भी तो करनी है, अभी बहुत बचा है बाकी। अब देखो यहाँ तो अब जब किसी चीज को मैं आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाते हैं, आप सर्कुलर मोशन में पढ़े होंगे, तो इफ यू रोटेट ऑन सर्कुलर पाथ, तो अब फिजिक्स में आप पढ़ते हो जो जिसमें आपने पत्थर को घुमाया,
बट यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये छोटे चीजों को किस में घुमाएंगे? एक मशीन होती है छोटी सी, उसमें ट्यूब लगा दिया और बटन दबाएगा तो बड़ी स्पीड में घूमती है सेंट्रीफ्यूज। तो होता क्या है, जब ये ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी आएगा, ये जो है बच्चे ये N15 की पोजीशन है के। तो फर्स्ट बार जब यहाँ करके सेंट्रीफ्यूज करोगे तो सारे डीएनए आपको यहाँ पर मिलेगा। आप मान लो नॉर्मल डीएनए, नॉर्मल डीएनए के लिए पोजीशन ये है, तो फर्स्ट कैसेज में यहाँ आपको कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि आपकी सारे डीएनए है बीटा। तो फर्स्ट कैसेज में सारे डीएनए आपको यहाँ आ गए। अब उसके 20 मिनट के बाद यदि आप यूज कर रहे हो क्या होगा बच्चे, आप यहीं से देखो, ये N15 वाली जो पोजीशन है बच्चे यहाँ पर आएगा ही नहीं। और जो N14 वाली पोजीशन है मान लो यहाँ भी नहीं आएगा, सारे डीएनए आपके इसके बीच में आ गया, यहाँ देखे बीच में। तो ये पोजीशन है हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब अब इसकी डेंसिटी क्या होगी, इन दोनों के बीच होगी ना, 1.728 ग्राम होगा ना 1.710 ग्राम पर सेंटीमीटर होगा, क्योंकि आधा स्टैंड जो है वो हैवी है, आधा स्टैंड है लाइट। तो ये सारे डीएनए बीच में आ गए, ना यहाँ आया ना यहाँ आया। तो इट क्लियरली शोज दैट डीएनए रिप्लेस इन सेमी कंजर्वेटिव। यदि कंजर्वेटिव होता पूरा का पूरा, एक डीएनए नॉर्मल होता, एक ये होता, एक यहाँ आता है। अब देखो ठीक इसके फिर 20 मिनट बाद जब आप डीएनए ऑब्टेन किया, और नाउ इट इज ए ट्यूब, तो अब इसमें आपको क्या मिलेगा? ये दोनों तो कंप्लीट लाइट है बच्चे, ये सारे आपका नॉर्मल पोजीशन जो है N14 नॉर्मल है, ये ऊपर में आएगा, ये दोनों यहाँ आ गए, ये दोनों हाइब्रिड है आपका, तो ये बीच में आएगा जो यहाँ आया था, इट विल ऑक्यूपाई द पोजीशन हाइब्रिड पोजीशन, क्योंकि यहाँ पर हाफ जो है दैट इज N15 और हाफ इज N14, तो इन दो स्टैंड की डेंसिटी इन दोनों के बीच होगी। तो दैट क्लियरली शोज दैट डीएनए रेप्लिकेट्स इन सेमी कंजर्वेटिव वे। अब आप चेक करिए और देखिए क्लियर है या नहीं। और कोई डाउट है इसमें तो पूछिए, फिर अब आगे आ जाएंगे डीएनए रेप्लिकेशन में। अब यहाँ के बाद जो आप इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा वो मैं आपको ऐड करता हूँ, पहले इसको आप देख। यदि डाउट है तो एक बार फिर रिपीट कर दूं इसे बच्चों के लिए कि क्लियर है। हाँ तो बोला करो बच्चे रिपीट, आप बुक भी खोल लो अपना। अब इसमें तो मैं कल शेयर कर दूंगा आपको बुक, इसमें तो मैं बुक शेयर नहीं कर पा रहा हूँ टेक्स्ट खोलने के लिए। आप अपनी बुक देखें तो बुक में सिर्फ ट्यूब सीजियम क्लोराइड का काम रहा है। अब फिर से देखो यार, यू हैव टू प्रूव दैट डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव वे। तो सेमी कंजर्वेटिव भी आपको एक ही ना क्लियर हो, फिर से देखो सेमी मतलब क्या होता है, जब डीएनए डबलिंग होती है तो ये दोनों स्ट्रैंड खुल जाते, रेड वाला जो है वो पैरेंटल स्ट्रैंड है
और ब्लैक वाला जो है वो ले आया, देखो ये खुल गया। ये देख, तो ये हुआ सेमी कंजर्वेटिव, यानी ओल्ड वन हाफ जो है, ओल्ड वन इज न्यू, ये मतलब हुआ सेमी कंजर्वेटिव, जिसको आपको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करनी है इन दिस एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट में जो आप प्रूफ कर रहे हैं किस बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी ऑफ डीएनए। यदि डेंसिटी जो नॉर्मल डीएनए है उनकी डेंसिटी होती है 1.710 ग्राम पर cm³, और यदि उसमें आप हैवी नाइट्रोजन डाल दिया डीएनए के अंदर, इस डेंसिटी 1.728 ग्राम पर cm³। और जिसकी जब आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाओगे तो जिसकी जिस डेंसिटी ज्यादा होगी अकॉर्डिंगली वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, दैट यू नो इन द फिजिक्स, यही प्रिंसिपल है इनकी। तो अब जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हैं तो वहां पर आप एग्जांपल लेते हैं, तो पत्थर को घुमा रहे हैं रस्सी, बट यहाँ पर तो टेस्ट ट्यूब में होनी है, प्रिंसिपल वही आएगी, मास कम होगा तो प्रिंसिपल फिर वही हो। तो ये एक्सपेरिमेंट कैसे रिपीट करते करते हो, ये कॉनिकल फ्लास्क किया, इसमें बैक्टीरिया था इकोलाय, बिकॉज ही कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट ऑन स्टेरेसिया कोलाय। अब बैक्टीरिया जब ग्रो करेगी कल्चर मीडिया में, इट नीड्स न्यूट्रिएंट्स, तो इसमें आपने अमोनियम क्लोराइड डाल दिया है 15 नॉर्मल एटमिक नंबर नाइट्रोजन का 14 होगा, आपने 15 वाला डाल दिया तो हैवी हो, इट इज नॉट रेडियो एक्टिव, इट इज हैवी। तो जब यहाँ बैक्टीरिया जो मल्टीप्लाई कर रहा है रिपीटेडली, तो उसके डीएनए में ये वाला नाइट्रोजन चला जाएगा, बार बार जाते जाती है भी। तो इस ये जो रेड वाला देख रहे हो बच्चे, इसकी डेंसिटी जो हो गई ये कितनी हो गई, 1.728 ग्राम पर cm³। तो डेंसिटी तो बुक में नहीं दिया है, समझाने के लिए मैं लिखा हूँ, नोट जरूर कर ले, बोर्ड में लिख के नहीं लिखे बोर्ड में जानिए जरूर, क्योंकि डेंसिटी पर हम सेपरेट कर रहे हैं और डेंसिटी बुक में लिख नहीं रखा, तो बच्चा अपने से पढ़ के कैसे समझ। अब देखो जब इस बैक्टीरिया जो है वो 20 मिनट्स के बाद मल्टीप्लाई करता है, तो इसमें से तो N15 मीडियम में था, उस बैक्टीरिया को आपने ट्रांसफर कर दिया नॉर्मल। अब बैक्टीरिया को जो अमोनियम क्लोराइड मिला है वो नॉर्मल वाला मिलता है CLN। तो अब ये नाइट्रोजन जो इनकॉर्पोरेट करेगा डीएनए में नॉर्मल वाला, ठीक है। 20 मिनट्स के बाद अब बैक्टीरिया का सेल को ब्रेक किया, डीएनए निकाला और उसे ट्यूब में सेंट्रीफ्यूज। तो जब आप सेंट्रीफ्यूज करोगे, अरे बच्चे तुम रिपीटेटिव डीएनए सेटेलाइट डीएनए में कहाँ चले गए भाई काली, एक क्लास के बाद पूछ लो, बता देता हूँ, तो इसमें तो मिक्स हो जाएगा, वो हो सकता है आपने आगे पढ़ लिया होगा एचजीपी में, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग VNTR वहां पर पढ़े होंगे आप, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट में। तो इसे जब कंप्लीट कर देता हूँ तब आप इसको क्लियर कर लो। हो सकता है आपका ये क्लियर हो, सारे बच्चे का नहीं है, ये कर देता हूँ, फिर कैंसर भी ले लो, ये उससे आगे भी आपने पढ़ा हुआ है, तो आप 10 मिनट टाइम लेके आराम से पूछ सकते हैं डाउट क्लियर। तो बच्चों यहाँ देखो, इसको जब ट्यूब में सेंट्रीफ्यूज किया था, मोहम्मद जायद पूछे थे साहब, यहाँ देखो, तो अब ये सारा डीएनए हैवी है, तो ये यहाँ पर N15 की पोजिशन पर आएगा अकॉर्डिंग टू दिस डेंसिटी। इसके 20 मिनट के बाद डीएनए ऑप्टेन किया आपने और सेंट्रीफ्यूज किया, तो इस पोजीशन पर भी कोई डीएनए नहीं आया और नॉर्मल वाले पर भी डीएनए नहीं आया, दोनों के बीच में आ रहा है डीएनए, क्यों क्यों नीचे आ रहा है,
क्योंकि एक स्टैंड हैवी है इन 15 वाला या 14 वाला, तो इनकी जो डेंसिटी होगी वो इन दोनों के बीच होगी। तो जब आप सेंट्रीफ्यूज करोगे तो वो बीच में आएगा, यहाँ नहीं जाएगा यहाँ नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच। इट क्लियरली शोज डीएनए रिप्लिकेट्स इन सेमी कंजर्वेटिव वे। अब इसके फिर 20 मिनट के बाद क्या होगा बच्चे, यहाँ ये खुल जाएगा। तो एक 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 जो ब्लैक वाला है N14 है, एक इस पर आ गया। फिर ये खुल जाएगा तो ये इस पर एक ये ब्लैक वाला अवेलेबल है N14 आ गया। अब जब सेंट्रीफ्यूज करोगे तो ये ब्लैक वाला तो नॉर्मल डीएनए है, ये नॉर्मल डीएनए, इसमें 50% आपको यहाँ पर आएगा, आप 50% हाइब्रिड पोजिशन पर आएगा। यानी इन दोनों का, ये दोनों का इस डीएनए का डेंसिटी कितना है, 1.710 ग्राम पर cm3। तो ये यहाँ पर आ गए, लेकिन ये और ये हाइब्रिड है तो इसकी डेंसिटी इन दोनों के बीच है, तो ये इसके सामने आ गए। नीचे में कोई नहीं आया तो ये क्लियरली शो कर रही है डीएनए राइट रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव। ऐसा अभी आ रही है, ऐसा अभी क्यों ज्वाइन कर रही है तुम? सारे बच्चे जो है थोड़ा टाइम से रहो, कट जाता है तो आप तुरंत बताओ, फिर रिपीट करेंगे। और अब क्या होना है इस साल बच्चे, मैं आपको बताऊं, सारा क्लास ऑनलाइन ही चलने चलनी है। तो अब जो है ना, अब हम लोग भी बहुत पहले बदल दिए कनेक्टिविटी, मोबाइल नेटवर्किंग से काम करते तो एक भी काम नहीं होता। तो अब आपके पास, पहले बच्चे जब मोबाइल रखते थे उनको थप्पड़ लगती थी, डांट लगती थी, अब पेरेंट्स ही देते हैं बच्चे पढ़ लो। तो आपको अच्छा लैपटॉप या मोबाइल भी रखना है और अच्छी कनेक्टिविटी भी रखनी है। हमारी पढ़ाई वैसे ही उसी से होगी। देखो बच्चे लोग अब आ रहे हैं, कोई बात इसमें दूसरे पर आ रहा, वेटिंग तो मैं देख नहीं रहा होगा, टेक्निकल प्रॉब्लम है हमारे पास। एक मिनट बच्चे, दूसरा आ भैया, पहले मोहम्मद जैद तू पहले देखो, पहले आप क्लियर करो, फिर मैं अब डीएनए रेप्लिकेशन में आऊंगा, तब तक बीच में इसका जवाब मैं दे दूंगा, फायदा का। हाँ, वो बता रहा हूँ भाई, अभी रुकता ना, लिथियम क्लोराइड वाले को भी बोला ही नहीं, यहाँ तक क्लियर है ना? अब बता रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो, सीजियम क्लोराइड के फंक्शन बता रहा हूँ, व्हाट इज द यूज ऑफ सीजियम क्लोराइड इन दिस एक्सपेरिमेंट। तो सीजियम क्लोराइड दिखाने के लिए मैं आपको एक शीशे की ग्लास भी दिखाऊंगा। अब चलो बच्चे, सीजियम क्लोराइड का देखो, बस बुक में तो दे दिया है इसका सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट, बस क्यूब ग्रेडियंट। अब जिस ट्यूब में आप एक्सपेरिमेंट करते हो ना डीएनए का, इसकी तैयारी कैसे होती है बिफोर एक्सपेरिमेंट होती है? इसमें इसके अंदर 6 m का, m समझते हैं मोलारिटी, सीजियम क्लोराइड ले लिया जाता है। और 6 m सीजियम क्लोराइड लेने के बाद इस ट्यूब को 30,000 to 50,000 RPM रोटेशन पर मिनट पर 48 to 72 hours तक घुमाया, 2 से 3 दिन तक। अब ऑटोमेटिक सेंट्रीफ्यूज होते हैं, अपना लगा दो घूमने चले जाओ,
दोस्तों के यहाँ जहाँ जाना हो 2-3 दिन बाद आपको आना है, घूम घाम के दावत खा के वापस आ जाओ। तब आप क्या देखोगे, 3 दिन के बाद ये सीटियम क्लोराइड जो थी वो इस पर एक लेयर बना दिया, ऐसे करके ये लेयर बना दिया, नीचे मोटी परत ऊपर पतली परत चारों ओर लग गया। इसके लिए दिया सीटियम क्लोराइड ग्रेडियंट। तो अब ये हमको फायदा क्या क्या है वो बता रहा हूं। अब देखो इस बोतल में पानी है, इसके मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाए घुमाया। अब देखो ये घूम रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अब जैसे ये देखो फोर्स खत्म किया सारा पानी, जब तक फोर्स अप्लाई है तब तक ये घूम रहे हैं, बंद किया नीचे। इसी तरह जब आप डीएनए को देख के सेंट्रीफ्यूज करोगे नॉर्मल ग्लास में, वो तो डेंसिटी के हिसाब से अपना भागा रहेगा। मान लो N15 वाला यहाँ रहेगा, नॉर्मल वाला इधर रहेगा। जब तक मशीन चल रही है तब तक तो उस पोजीशन पर है, और जैसे मशीन का जो है आरपीएम रोटेशन पर मिनट, आरपीएम स्टैंड्स फॉर रोटेशन पर मिनट। कोई भी मोटर जो है जो साइक्लिक फॉर्म में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मोटर घूमती है, आपके घर में लगे हो, आपको गाड़ी में लगे हो, वहां पर आरपीएम लिखा होता है। थोड़ा सा साइंस में हर चारों बगल देखते रहिए, रोटेशन पर मिनट यानी एक मिनट में वो कितनी बार घूम जाती है, दैट इज आरपीएम रोटेशन पर मिनट। आप इमेजिन करिए 30,000 to 50,000 पर मिनट घुमा ये मशीन। अब सीजियम क्लोराइड की लेयर बन गई। अब सीजियम क्लोराइड क्या हुआ, ये चारों ओर, ये मान लो ट्यूब है, इनके चारों ओर सीजियम क्लोराइड चिपक गया, एक पतली लेयर बना दिया ग्रेडियंट, नीचे ठीक ऊपर तीन। अब जब आप सेपरेट करोगे तो वो जो डीएनए जहां था वो चिपका रहेगा, वो हटेगा नहीं, दैट इज द फंक्शन। अब इतनी कहानी आपको तो लिखनी नहीं है लेकिन समझनी जरूर है। जेनेटिक्स में वहां तो एक ले दिया सीजम प्रोडक्ट ग्रेडियंट, काम खत्म कर दिया। वो बच्चा कैसे समझे, जब तक आप ब्रेक करके नहीं समझाओ। तो जब लिखता है एनसीईआरटी में थोड़ा सा ब्रेक करना चाहिए, जो फॉरेन बुक्स देखते हैं ना इन छोटी चीजों को ब्रेक कर देता है। ठीक है भाई, नॉर्मल बच्चा भी पढ़े तो समझ जाए। अब यहाँ एक बात को दबा दिया, आधा बच्चे कैसे समझे भाई। आप चलो भाई, आप इधर ये चैप्टर इनका ये पार्ट हो गया, हम डीएनए रेप्लिकेशन करेंगे। भैया तू लोग बीच में तो ज्वाइन करता है, कैसे समझ में आएगा। तू लोग मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स है, इसमें एक एक पार्ट जो बच्चे लोग पढ़ रहे हैं। आई गॉट 72 आवर्स। हाँ सिर्फ क्यों बोलते हो, 72 आवर्स कम होता है जी, 3 दिन तक हो गया, 3 डेज। बड़े बड़े लैब में जाओगे तो पूरे पूरे सेंट्रीफ्यूज होते हैं, लगा के चले जाते हैं लोग अपना घर, काम चलता रहता है। इतनी कंसाइज वे में ये मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स की प्रोसेस को इतनी शॉर्ट में लिखे हुआ है ना, तो इसके बच्चों को परेशानी आती रहती है। कोई बात नहीं, जब तक ब्रेक ना करे तब तक समझे। अब देखो भाई, हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन की मैकेनिज्म करेंगे स्टार्ट 106 पेज। तब तक हम बीच में इन बच्ची का जवाब दे देते हैं, फायका का, जो आप लोगों को भी पढ़ाया जाएगा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। आप आ जाओ डीएनए रेप्लिकेशन। देखो बच्चे अभी शॉर्ट में बता दू डीएनए में क्या होती है, यहाँ पर क्या सप्लाई, कैसे डीएनए 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 हुआ। इसमें सर्टेन सीक्वेंस, मान लो ये सीक्वेंस ए टी सी टी टी ए, डीएनए में तो ऐसे मिलेगा, यहाँ का सेटेलाइट मिलेगा आपको मून की तरह, नहीं ना। तो ये जो सीक्वेंस कोई नाइट्रोजनस बेसिस है, ये स्पेसिफिक पार्ट में रिपीट होते रहते हैं बार बार, ये है ए टी सी डी, ये फिर रिपीट हो रहा है यहाँ पर।
ये हेटरोक्रोमेटिक है, बार 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 रिपीटेड हो रहे हैं सेगमेंट, रिपीटेड सेगमेंट है। तो ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ रिपीटेशन ये इसको कहा गया माइक्रो और मिनी सैटेलाइट। इसमें से अब हम लोग जब एचजीपी में आएंगे इसमें हम लोगों को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में वीएनटीआर करना पड़ेगा। ये तुम्हारा है क्योंकि ये सब रिपीट होना है, फिर मैं और इसमें डिटेल बताऊंगा। अब आ जाओ बच्चे डीएनए रेप्लिकेशन में आ जाओ। ऐसा क्या बोल रहे थे हम, बिल्कुल क्या बिल्कुल था। अरे बच्चे लोग आप लोग एक बार भी लिखते नहीं है दावत में, सर आपका जूझ रह गया, कोई नहीं लिखते, एक दो बच्चा फोन किया था। अब खुलने तो मिलेगा तब है तो लिखना चाहिए ना सर, यू ड्यू देयर। चलो अब आगे बढ़ते हैं बच्चे। अभी आपने देखा सेमी कंजर्वेटिव मोड है डीएनए रेप्लिकेशन का। अब आ जाओ 106 पेज पर। ये मैकेनिज्म क्या होता है, तो अब मैकेनिज्म आप लोग ही बताओ। थोड़ा सा एग्जैक्टली बुक में रहूं कि समझाने के लिए थोड़ा मैं एक्स्ट्रा बढ़ूं, थोड़ी सी एक्स्ट्रा बढ़ूं। यस, तो लेट अस नो द, पहले आप लिख लें डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए एंजाइम्स के नाम लिख लें पहले। लेट अस नो What is all our enzymatic process? So, what are the enzymes required for it? ये सारा enzymatic process है, तो various enzymes are required. Many cases DNA digestion. अब ये नाम नहीं है बुक में लेकिन समझाने के लिए जरूरी है तो मैं लिख दिया, आपसे पूछ लिया जो इसका थोड़ा बढ़ रहा हूं। टोको आइसोमिडेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमिडेज, तो भैया डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का केवल वर्ड आते हैं, अदरवाइज ये वन भी होते हैं, ये टू भी होते हैं, ये थर्ड भी होते हैं। आपने परमिट किया एक्स्ट्रा तो थोड़ा एक्स्ट्रा मैं भर रहा हूं। इसके बाद लाइगेज, इसके बाद आप आ जाए प्राइमेज। अब देखो लास्ट नॉर्मली एंजाइम के लास्ट में एज लगा हुआ है। These are the basic enzymes required for DNA replication. पहले एंजाइम का नाम नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको धीरे धीरे इनके फंक्शंस बताता हूँ। ये डीएनए कैसे खुला, इनके खोलने में कौन से एंजाइम है, इनको डीएनए बनाने में कौन से एंजाइम्स हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या करना होगा, तो फिर आपको डीएनए का जो केमिस्ट्री पढ़ाया था वो बीच में रिकॉल करना पड़ेगा, तो यू कैन अंडरस्टैंड इन द बेटर। पहले नॉर्मल बता दूं बुक वाला, फिर मैं आगे बढ़ू। मिटा दो बच्चे, नोट किया, किसी का छूट गया हो तो बता देना, तो बीच में आ ही जाएगा वो। डन। अब देखो ये रेप्लिकेशन का प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में होता, बट ओनली सिंपल डेमोंस्ट्रेशन यहाँ दिया हुआ है। आप डेवलप्ड बैक्टीरिया का डीएनए, यहाँ पर ये सर्कुलर डीएनए यहाँ है। अब सर्कुलर डीएनए है जिसका मैं एक पार्ट ले लेता, अब सीधे बुक में 106 पर देखो एक पार्ट बना हुआ है, पहले मैंने इनका एक पार्ट ले लिया, ठीक है। और यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट डीएनए इज हेलिकली कॉइल्ड, तो जब एक स्टैंड पर दो बनना है इन दोनों को तो खुलना पड़ेगा, इनकी पोलैरिटी लॉस हो जाएगी, क्योंकि आप जस्ट यू हैव स्टडीड दैट इट
replicates in semi-conservative way, so it will have to open. अब यहाँ एंजाइम जो हमने लिखाया है हेलिकेसेस, डीएनए गाइडेज, ये इनको अनवाइंड करेगा. तो पहले इनकी होती है अनवाइंडिंग. अब ये सब स्टेप नहीं दिया तो फिर बच्चों को उतनी बातें जो है वो असर नहीं करती, समझ में नहीं आती. तो ये जो डीएनए है वो अब सीधा होता, जो एक बेस दूसरे बेस से 36 डिग्री पर एंगल थे ये खत्म हो गए. तो इट इज हैपनिंग हियर. अब बीच से एक ब्रेक लगानी पड़ेगी जहां से डीएनए ब्रेक होगा. तो जहां तब यहां पर एक रोल आती है एंजाइम ट्रोपो आइसोमेरेज. अब देखो डीएनए में इतना तो आपको क्लियर है, यहाँ ए है तो टी है, यहाँ सी है तो यहाँ जी है, यहाँ टी है तो यहाँ ए. अब जैसे एंजाइम यहाँ ब्रेक लगाते हैं तो ये दोनों बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है. जैसे जहां तहां हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है यहाँ अलग हो गई वाई से, यही उल्टी फॉर्म में है, उल्टी का है या सुल्टी का है. तो एक ही बार जो स्टार्ट किया है बुक में, हम भी शॉर्टकट में ही है बता दू आप. स्टेप्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स, वेरी ब्यूटीफुल, नॉट कॉम्प्लेक्स. एटलीस्ट यहाँ तक आने के लिए तो कम से कम इतनी बातों बच्चों को बताना पड़ेगा कि ऐसे यहाँ से हुआ है, ये अनवाइंड हुआ है, फिर बीच में ब्रेक हुआ है, अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ ब्रेक किया है, तब ये दोनों अलग है. दैट इज लाइक अनजिप्ट, व्हेन यू ओपन ए जिप से जिप खुलती है, इट्स लाइक दैट. अब बोथ स्ट्रैंड्स आर सेपरेट. तो जब ये सेपरेट हो गया, अब इस पर पहले शॉर्टकट बुक वाली खत्म करके फिर मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बताऊंगा, पहले बुक वाला बात खत्म. अब यहां पर क्या आएगा, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करेगा. तो अब इस पर नया स्टार्ट आएगा. तो लेट अस टॉक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस. क्या लिखा है, कंटिन्यूअस सिंथेसिस. हम इसको इधर करके लिखेंगे और यहां पर ऐसे करके छोटा छोटा बनाओ. व्हाट डज इट मीन. अब देखो क्या होती है. अब यहां पर जब यहाँ इसका क्या मतलब हो गया, जो मान लो बच्चे यहाँ ए है और यहाँ टी है, यहाँ सी है, क्या तो ये जो है यहाँ पर टी आएगा, यहाँ ए आएगा और यहाँ जी आएगा. तो ये बात लिखा तो नहीं है यहाँ पर, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस लाइन में ए तो टी, टी तो ए, सी तो जी, पूरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन गई. तो वन लाइन इज हिडन. अभी दिखाता हूँ ये कैसे होता है. इट इज हाईली एनर्जेटिक प्रोसेस. तो पहले यहाँ पर कंटिन्यूअस है, इसके लिए लिखा हुआ है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस सिंथेसिस. अब यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़े क्यों बने, तो यहाँ लिखा है आप मार्क करोगे डिसकंटिन्यूअस 106 discontinuous synthesis. अब one additional things I am writing. जिस पर continuous synthesis होता है उस strand को बोलते leading strand. जिस पर होगा उसे बोलेंगे leading strand. और जिस पर ये छोटे छोटे बन रहे हैं उसको बोला lagging strand. अब क्वेश्चन है जो यहाँ छोटा छोटा क्यों बना, छोटा छोटा बना क्यों. बच्ची क्या लिख रही है,
भाई इसका तुम्हारा मीनिंग तो मुझे पता नहीं चला है भाई। अच्छा क्या लिखी है? टू फैस टू बॉन्ड ट्रेवल, क्या मतलब? लेटिन वर्ड यूज कर दिया क्या? अच्छा ठीक है। अब देखो इसको, ये छोटा छोटा जो बना, इस छोटे को कहते हैं ओकाजाकी फ्लाई। एज इट वॉज डिस्कवर्ड बाय ओकाजाकी। अब यहाँ पर जो है ओकाजाकी फ्रैगमेंट बनने का रीजन क्या है, इस पर आइए। दैट हैज नॉट बीन डिस्कस्ड। देखो ओकाजाकी भी बुक में नहीं है, लेकिन यहाँ क्यों बना वो भी एक्सप्लेन नहीं। तो ये जो एंजाइम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज दैट कैन बाइंड फ्रॉम, पहले समझ लो फिर मैं क्वेश्चन उत्तर सारे लिखा दूंगा आप। जेनेटिक्स में पहले मैटर आप समझना है, सेकेंड राउंड में हम क्वेश्चंस में आएंगे या राइटिंग प्रोसेस में आएंगे, लिखाने को लिखा लूंगा, पहले एक राउंड समझ। तो दिस एंजाइम कैन बाउंड बाइंड फ्रॉम थ्री प्राइम, यहां से बाइंड हो गया और एंजाइम कैन, लेकिन दैट एंजाइम कैन नॉट बाइंड फ्रॉम द फाइव एंड। तो आई थिंक बच्चों को ये थ्री और फाइव का पंगा क्लियर होगा, क्योंकि तो हमने जब पेंटोस शुगर आपको 11th से ही बार बार पढ़ा रहे हैं, ये पेंटोस शुगर एच, ये थर्ड है ओ एच, 1 2 3 4 5। तो ये 5 3 का मतलब ये बिना फॉस्फेट का है, तो एंजाइम यहाँ बाइंड हो जाता है, बट एंजाइम कैन नॉट बाइंड हियर। 5 का मतलब है ये वाला, दिस इज द रीजन। तो अब ये धीरे धीरे क्या होगा, अनजिप्ट होता जाएगा, बनता जाएगा। इसको जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट है दैट फॉर्म्स बिकॉज एंजाइम कैन नॉट मूव डायरेक्ट, तो इट गेट अटैच्ड, स्मॉल फ्रैगमेंट आर फॉर्म, अगेन गेट अटैच्ड, स्मॉल फ्रैगमेंट गेट फॉर्म। अब इन स्मॉल फ्रैगमेंट जो होकर जाकर बनती है, इनकी ज्वाइनिंग कौन करेगा? तो लाइगेशन। लाइगेशन का मतलब होता है ज्वाइन, लाइगेज मेक देम ज्वाइन। अब ये धीरे धीरे जीप की तरह खुलती जाएगी, डीएनए डबलिंग होती जाएगी, और लास्टली में ये वही दो स्ट्रैंड ऐसे बन गए और दो ओल्ड टोनी। अब यहाँ पर तो ये तो हो गई। अब बुक में देखो यहाँ पर एक वर्ड होगा, क्वेश्चन पहले लिखता हूँ फिर आंसर बताता हूँ। वॉट इज द रोल ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट इन डीएनए रेप्लिकेशन? पहले क्वेश्चन लिखता हूँ, बुक का शेयर नहीं कर रहा हूँ, बुक है आपके पास तो मैं लाइन आप ढूंढेंगे, पहले क्वेश्चन बताता हूँ। इसको मिटा दो बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं? पाए का आयशा, इसको मिटा दू? गुजारत, यस। अब यहाँ से क्वेश्चन जो आपको बनेगी, एक चीज उसमें है नीचे में, अभी करता हूँ, अभी दो तीन क्वेश्चन अभी बच गया है। पहला क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ द वेल लेवल डायग्राम ऑफ डीएनए रेप्लिकेटिंग प्लॉट। ये 3 नंबर का डायग्राम। तो बोर्ड में आप जितना बना हुआ है यहाँ उतना ही लिख देंगे, कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस पोलैरिटी।
टोकाजाकी नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा, टोकाजाकी आगे के लिए आपको रखना। नंबर वन। नंबर टू, व्हाट इज द स्पीड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन? वन मार्क्स क्वेश्चन। देखिए लिखा होगा 2000 मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड। आंसर ना मिले तो आप बताएं। राइट द रोल ऑफ डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियो साइड ट्राई फॉस्फेट इन डीएनए रेप्लिकेशन। अब इसको समझाना पड़ेगा, इसको स्ट्रक्चर बनाकर समझाना क्वेश्चन। इसके बाद 106 के लास्ट पेज में लिखा होगा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो व्हाट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन? तो अभी आप लोग 106 के लास्ट में हैं, बट ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन आपको 194 एंड 199 पर भी मिलेगा। एक बार समझ लेंगे तो ये काम खत्म हो जाएगा। ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन और यहाँ पर 106 सामने में है लास्ट पैराग्राफ में, 194 पर भी मिलेगा, 199 पर भी। आप पहले इनकी आंसर कर लें। डायग्राम तो आप ड्रॉ कर लेंगे बड़ी आसानी से। व्हाट इज द स्पीड दैट इज 2000 मॉलिक्यूल पर सेकेंड? अब आइए थर्ड क्वेश्चन में। आप कुड यू फाइंड दिस वर्ड डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट? वर्ड आपको मिला, वहां लिखा होगा परफॉर्म डुअल पर्पसेस। मिल गया है तो ठीक है, मिल गया तो लाइन को पढ़िए। अब वहां पर मैं आंसर लिखाता हूँ और उसका मीनिंग भी समझिए। देखिए कितनी खूबसूरती के साथ वो लाइन अंदर में डाल दिया है। तो आंसर तो भैया ठीक है, आंसर के लिए तो कुछ नहीं है, एक लिख देंगे फंक्शंस है सब्सट्रेट और दूसरा प्रोवाइड्स एनर्जी। अब आप इतना लिख दिया तो आपको फटाफट दो नंबर मिल गया, ये तो बोर्ड का काम तमाम। लेकिन आप मैटर को समझ लो, आंसर लिख लो नीचे, फंक्शंस एज ए सब्सट्रेट एंड प्रोवाइड्स एनर्जी, क्योंकि ये हाईली एनर्जेटिक प्रोसेसेस हैं। वहीं पर जहां पर ये लिखा है उसके बगल में क्वेश्चन कि परफॉर्म डुअल पर्पस, दो पर्पस है, एज ए सब्सट्रेट एंड एज एनर्जी। सो इफ यू हैव रिटन, तब ये मैं यहां बताऊं आपको। इस लाइन में कितनी खूबसूरती के साथ पूरी मैटर को बंद कर दिया जो आप जानते हैं। दिया न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट फंक्शन डुअल पर्पस, यानी पहले हम इनका ये बताओ, ऑल ऑफ यू नो दिस वन, डीएनए के स्ट्रक्चर में आ जाओ। मान लो अब यहाँ पर ये है साइटोसिन, यहाँ CH2, यहाँ एक फॉस्फेट, यहाँ दूसरी फॉस्फेट और यहाँ तीसरी। अब ये कहता है डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, तो ये साइटोसिन के साथ है, ये न्यूक्लियोसाइड हुआ, डीऑक्सी ऑक्सीजन नहीं है, ट्राइफॉस्फेट
फंक्शंस ड्यूअल पर्पस, यानी डीएनए रेप्लिकेशन जो हो रही है। मान लो अब यहाँ डीएनए स्ट्रैंड है, यहाँ पर गुआनिन है, यू नो गुआनिन जो है ये शेयर करेगा सी से, तो ये जो है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड 3-फॉस्फेट है ट्राइफॉस्फेट, तो ये हाईली एनर्जेटिक प्रोसेस है। ये एक ये एस्टर बाउंड, ये एस्टर बाउंड, तो एस्टर बाउंड तोड़ के इनको एनर्जी दे देगा, तो इट प्रोवाइड्स एनर्जी। हम लोगों में एटीपी से एक फॉस्फेट निकल के एनर्जी देती है एटीपी, बट यहाँ जुड़ने में देखो इसकी भी एनर्जी लगती है, इसकी भी एनर्जी लगती है, और ये पूरे के पूरे इनसे जुड़ गए, ये पूरा जुड़ गया इसके साथ, क्योंकि ये बैकबोन भी तो होगा, तो इसका मीनिंग ये हो गया। हमने इसके साथ दिया, मान लो अब यहाँ पर एडेनिन है, यहाँ के बदले थायमिन होगा, इसको बना दीजिए, ये मीनिंग है। ये बन गया बच्चा, मैटर समझ में आई आपको? ठीक है, तो ये खूबसूरती है एनसीईआरटी की, जो दो लाइन में तो लिख दिया, बिकॉज अब ये मैटर चूंकि वो पहले कह चुका था आपको 96 पेज पे, अब ये भी है जिसमें कितनी एनर्जी, इसमें भी कितनी एनर्जी, ठीक है वो नहीं करना है, बोर्ड पे इसलिए जो लिखना है खत्म होना है, लेकिन आप देखो अब जो 11th से बायो या अभी बायो मॉलिक्यूल्स किया है वो बच्चा तो ये समझ जाएगा, और जो नहीं किया है उनको तो ये अजीब सा लगता होगा, जो नहीं करती होंगे। और एक क्वेश्चन बचा बच्चा इसका, जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अभी आप दो क्वेश्चन और इसमें, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, कहीं से स्टार्ट नहीं होती, ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन, द सेगमेंट और पार्ट ऑफ डीएनए फ्रॉम विच डीएनए एप्लीकेशन स्टार्ट। तो रेप्लिकेशन जो स्टार्ट होती है कोई खास पोजीशन से स्टार्ट होती है, वहां की बेस सीक्वेंस कुछ फिक्स होती है, उसे ओरिजिन भी कहते हैं और जीन को ओरिजिन भी बोलते हैं, यानी जीन को ओरिजिन एंड ओरिजिन, दो वर्ड। एंड आई टोल्ड यू विल गेट दिस वन 194 and 199 आल्सो जब हम वेक्टर पढ़ेंगे। अब इसी चैप्टर के शुरू में आप देखिए एक साथ एक वर्ड लिख दिया होगा वेक्टर। अब ये वेक्टर यहाँ पर बच्चों को समझाना ये अलग चीजें हैं, वेक्टर को अंडरलाइन कर दो आप। वेक्टर इज इटसेल्फ ए डीएनए व्हिच कैरी अनदर डीएनए, तो हमारी रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोटीन की पार्ट है, बट ये एडवांस पे पहले ही वेक्टर लिखा हुआ है। तो वेक्टर हमारी पार्ट में कई जगह है, जैसे 194 पर आएगा, 198 पर आएगा, या बाद में करेंगे 200 पेज पर आएगा, 199 पर आएगा। वेक्टर हमको अलग से करना है, लेकिन यहाँ वेक्टर केवल ठीक कर दीजिए। अब हम आते हैं दूसरी पार्ट पे, यहाँ जो व्हाट विल हैपन इफ साइटोकाइनेसिस फेल्स आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन, एक क्वेश्चन।
क्वेश्चन लिख। What happens if cytokinesis is after DNA duplication? A one mark question. You will find this whole paragraph answer will it leads to polyploidy. The polyploidy आपको already 90 पेज पर आई थी polyploidy से पीछे। अब यहाँ फिर लिखा है आपका polyploidy. What happens if cytokinesis fails after DNA duplication? यानी आप यहाँ वापस आ जाओ बच्चे, देखो ये G1 यहाँ S और यहाँ G2 फिर यहाँ M, यहाँ माइटोसिस आपने पढ़ा हुआ, ये डीएनए डुप्लीकेशन हो गया, सारा चीज हो गया। अब यहाँ सेल डिवाइड भी कर गया लेकिन ये साइटोकाइनेसिस नहीं हुई, सेल नहीं डिवाइड किया, तो अल्टीमेटली क्या होगा, इट लीड्स टू पॉलीप्लॉइडी, क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाएगा। तो डीएनए रेप्लिकेशन का काम यहाँ खत्म, अगली क्लासेस में चूंकि हम कंटिन्यू कर सकते थे बट अब कंप्लीट न्यू थिंग होगा ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन मतलब डीएनए से आरएनए बनना, दैट वी विल स्टार्ट टुमारो। अब आपको यहाँ सब इसमें जितने बच्चे को डाउट है जितना आप 5 मिनट टाइम देके डाउट देख लो, डाउट क्लियर करो। आप इत्मीनान से पूरी जहां तक हुआ है बुक को उलट लो बच्चे और वहां देख लो लाइन ईच एंड एवरी लाइन, क्योंकि शेयर करना जरूरी होता है, शेयर मैं नहीं कर पा रहा हूँ। आप लाइन को देखिए और क्वेश्चन पूछिए वहां, और जहां आपने स्टार्ट किया है वहां ऊपर में अमाउंट ऑफ डीएनए दिया होगा बैक्टीरिया का, ह्यूमन का 6.6 × 10⁻¹⁹, ये स्पेयर उस सबको भी देख लें। और एक चीज अपने में दिखा कर लें, तो इकोलाई में यहाँ पर अभी जस्ट आपने पढ़ा है, यदि आपने बारीकी से पढ़ेंगे तो आपको लाइन मिलेगा इकोलाई में डीएनए को डबल होने में। अभी हमने पीछे पढ़ा है 20 मिनट्स, लेकिन इस चैप्टर में आप पढ़िए तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर जो नई बुक है जो एक्चुअल लिखा है 18 मिनट्स, 18 मिनट्स जो है ये ऑफ कोर्स इकोलाई का होता। किसी के पास ओल्ड बुक होगी तो मिसप्रिंट है, इस 18 के लिए 38 लिखा हुआ है पुरानी बुक में, ये गलत है। यदि किसी के पास किसी भैया वाला है दीदी वाला एनसीईआरटी होगा तो इकोलाई का डीएनए डुप्लीकेशन का टाइम 38 लिखा होगा, तो उसको प्लीज कट कर देंगे, नए वाले ने 18 कर दिया। अब आपके दिमाग में आएगा तो यहाँ 18 और पीछे 20 था, तो 20 इसने एवरेज ले लिया बैक्टीरिया का, बट इकोलाई में डुप्लीकेशन होती है 18 मिनट्स में। तो बारीकी से पढ़ के आप रेज करो बच्चे क्वेश्चन।